खबर शहडोल की है, जहां विगत 15 दिनों से स्कूल की छात्राओं के साथ कुछ इस तरह के कृत्य घटित हो रहे हैं, जिससे कि विद्यालय के शिक्षक ही नहीं बल्कि पूरा गांव और स्वास्थ्य अमला भी परेशान है। आखिर इन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? हर दिन अलग अलग बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिसे समझ पाना काफी मुश्किल है। गाँव वालों का मानना है कि कुछ शैतानी शक्तियां हैं जो छात्राओं को परेशान कर रही हैं। जब इस संबंध में शिक्षक ने बच्चियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पत्र भी जारी कर दिया, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह भी इस घटना को देखकर हैरान रह गए और छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आने से डॉक्टर भी हैरान हो गए कि अब कौन सा उपचार किया जाए। अच्छे से बाल हटा यार, चेहरे से उठना, उठना यार, चेहरे से पीछे ना खड़ा होना, कैसे लो पांच ऐसे पालो। जब इस संबंध में हमारे रिपोर्टर ने शहडोल कलेक्टर वंदना वैद से दूरभाष पर चर्चा की, तो कलेक्टर मैडम ने कहा कि आपके द्वारा जानकारी मिली है, हम कल ही पूरी टीम भेजकर सभी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। मामला शहडोल जिले के 100 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय हाई स्कूल बिल्टीकुरी संकुल केंद्र झीक बिजुरी का मामला है, जहाँ छात्राओं के बेहोश होने के कारण हाई स्कूल बिल्टीकुरी में अध्ययनरत छात्र छात्राएं 15 दिवस से विद्यालय में बेहोश होकर गिर जाती हैं। ऐसी स्थिति में छात्राओं के अभिभावक देखकर अपने छात्राओं को विद्यालय भेजना बंद कर चुके हैं। शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।